हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। देपालपुर गांव रुदाख्या में ग्रामीण बंदरों के आतंक से परेशान हैं। बंदर जहां ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं लोगों पर भी हमला कर रहे हैं। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही बंदरों की संख्या लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। बंदरों के आतंक से जनता व गांव के लोग परेशान हैं। बंदरों के आतंक से अकेली महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती। वन विभाग तक पहुंचा है ये केस। हमारे सहयोगी अजहरुद्दीन पटेल की रिपोर्ट देखिए। समाज सेवा नुशाद पटेल ने बताया कि गाड़ियों के कांच भी फोड़ दिए गए हैं और बच्चों को भी काट रहे हैं और फसलें भी खराब कर दी हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बन चुका है। खेतों में बंदर ग्रामीणों पर हमला भी कर रहे हैं। बंदरों के हमले से पूर्व सरपंच शौकत पटेल ने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग को अवगत भी कराया, लेकिन बंदर ज्यादा होने से सफलता हाथ नहीं लगी। रुदाख्या गांव के महिलाओं का कहना है कि ये बंदर अक्सर उनके घर में घुसते हैं, उनका अनाज नष्ट कर देते हैं, उनके कपड़े ले जाते हैं, बच्चों को भी काटते और गिरा देते हैं, और डराने पर भी डरते नहीं हैं, बल्कि और भी हमलावर हो जाते हैं। यशवंत सागर से करीब 16 किलोमीटर दूर रुदाख्या गांव में बंदरों का बेहद आतंक है। आतंक ऐसा कि महिलाएं घर से अकेली बाहर निकलने से डरती हैं। इस गांव में कोई भी महिला कई सारी महिलाओं के साथ ही ग्रुप में बाहर निकलती है। इसी गांव के शाहरुख पटेल का कहना है कि वन विभाग और सीएम हेल्पलाइन पर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। कैलाश चौधरी का कहना है कि बंदर ने 15,000 की LCD टीवी फोड़ दी, अक्सर लोगों के घर में घुसते हैं, उनका अनाज नष्ट कर देते हैं, उनके कपड़े ले जाते हैं, टीवी फोड़ देते हैं, और डराने पर भी डरते नहीं हैं, बल्कि हमलावर हो जाते हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि बच्चों पर और महिलाओं पर ये बंदर ज्यादा हमला करते हैं। गांव के पूर्व सरपंच शौकत पटेल का कहना है कि पिछले 2-3 साल से बंदरों ने आतंक मचाना शुरू किया है। एक बार वन विभाग की टीम दौरा करने आई थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। रुदाख्या ग्रामीण के दूध व्यवसाय गोकुल कछावा ने बताया, वन विभाग की टीम एक महीने पहले आई थी। बंदरों का आतंक पूरे गांव में है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इसी गांव के आसपास करीब 50 से 100 से ज्यादा बंदर है, जो गांव में घुसकर उत्पात मचाते हैं। गांव वाले लगातार और विभाग से अपील कर रहे हैं कि वह इन बंदरों को ले जाए। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।